कैसे रही नींद वगैरह? ठंड भी ले ना? ना जोर से नीचे। अभी जो है कुछ लोग उठ चुके हैं और कुछ लोग ऊपर अभी सो रहे हैं, और मतलब धीरे धीरे होगा क्योंकि अभी ठंड है यहाँ पे, तो उसके हिसाब से थोड़ा लेट उठना होता है। जितनी मतलब ठंड हो उतना भाई आदमी सोता है कि नहीं बताओ, सुबह सुबह खासकर। और चाय आ गई सुबह की। तो हमारे यहाँ पे ताऊ जी हैं, वो कह रहे थे कि मतलब हमारी आप वीडियो नहीं निकालते हो, इतनी सारी वीडियो बनाई है और घर वालों का फोन। ताऊ जी बड़ा नाराज है। हाँ, ताऊ जी और ताऊ जी के घर वाले नाराज हैं कि मतलब कहाँ गए ताऊ जी, वीडियो में दिख नहीं रहे, खो गई कहीं। ताऊ जी कह रहे हमारी हाजिरी लगनी जरूरी है हर दिन, तो मैंने कहा चलो ठीक है, सबकी हाजिरी जरूरी है। और हमारे सोने की व्यवस्था यहाँ पे थी थोड़ा सा अलग में, क्योंकि मैंने बोला था कि एडिटिंग के लिए रूम वगैरह थोड़ा सा सेपरेट चाहिए, तो ताकि किसी को डिस्टर्ब ना हो। और क्योंकि मैं भरोसा नहीं, कभी भाग गया ऊपर शूट के लिए, कभी कुछ, तो थोड़ा सा सेपरेट रूम, बाकी लोग यहाँ पे सोए थे इनके। और ये जो है सुबह की तीसरी चाय है बॉस, और दो हमने ऑलरेडी नीचे पी लिया था। हम जिनके घर में रह रहे थे, श्री मान सिंह कठैर के नाम से है, तो उन्होंने सुबह सुबह जो हमको चाय दी थी वहाँ पे, और गर्म पानी किया था पीने के लिए। और फिलहाल जो है थर्ड चाय। फ्रेश गुड मॉर्निंग टू एवरीवन, जो भी मेरी वीडियो को देख रहा है, सीधे पहाड़ से मैं आपका अपना रिंकू पहाड़। उठेगा? चलो चलो, आज बरखाजन क्या हो सुमा, कोई अर्जन लगी बाहू, अगर आप वहाँ दे सकते हो पूरा, मतलब ये धुंध जैसी लगी हुई है। आशंका तो है बारिश की, बट होनी नहीं चाहिए क्योंकि गीला हो जाएगा रास्ता, तो थोड़ा तकलीफ होगी चलने में ना। बाकी देखते हैं क्या होता है। अभी जैसे सुबह उठा हूँ तो मुझे लग रहा कि जैसे ये अपना टैटूड़ा है ना, एकदम मतलब किनारे किनारे जो है थोड़ा जंगल वगैरह है और बीच में गाँव है, तो वैसे ही है। देखो ये सारा आपका जो है पूरा जंगल इलाका है। इस साइड अगर आप देखोगे तो मैं दिखाता हूँ आपको, यहाँ पे जो है पूरा गांव है ये बसा हुआ, ये वाला गांव। और यहाँ पे जो है नाश्ते की तैयारी हो रही है, जो कि कल रात के जो है सिनेमेटिक शॉट में आपने देख लिया था, सब्जी का और रोटी का, सुबह का कुछ ऐसा है यहाँ पे व्यवस्था। अभी जो है देखो सब तैयार हो रहे हैं, नाच रहे हैं और निकल रहे हैं दूसरे गांव के लिए। एक गांव था बीच में अब तो निकल, लेकिन वहाँ पे कुछ इंसिडेंट हो गया था जिसकी वजह से अभी जो है आगे निकल रहे हैं। तो जल्दी सुबह मॉर्निंग में सबको निकलना है, तो बोला सब तैयार हो जाओ। रामपुर जाना भी, रामपुर जाना पर, अच्छा तो यहीं से जो है रंग छोड़ा जाएंगे है? अच्छा हिरी बाजार ना, हिरनी हिरुली बाजार। अच्छा पूरा गांव आशीर्वाद लेते हुए। अरे जो गांव वाले हैं अभी छोड़ने के लिए आ रखे हैं, और सुनगढ़ी के जो भी गांव वाले हैं देवता को छोड़ने के लिए कुछ रास्ते तक आते हैं, क्योंकि फिर देवता फिर खुद ही बोल देते हैं कि आप जाओ यहां से, और आएगा सफ़र फिर दिखाते हैं आपको इस रास्ते की कैसा है, किस तरह रहेगा। और बातें करेंगे हम लोग कुछ नए चेहरों से, नए जो हमारी वीडियो में अभी तक आए नहीं है। अभी मैं बोल रही छुट्टी जो आप बैग ले गाओ ताऊ जी, बगलवार रूम में सी में हरीवा बदल हो जाए लिखी बोल। अभी क्या हुआ मतलब इतनी जल्दीबाजी हो गई थी कि कोई पानी का बोतल भूल गया, कोई मोबाइल भूल गया अपना, और सब लोग अभी सब लोग नहीं एक दो लोग जा रहे हैं वापिस, और मैंने भी मेरा जो था पानी का बोतल दूसरे रूम में रखा था कहीं पे जहाँ मैं सो रहा था, और किसी को बोला है ले आएगा। Oh, that's not
जय हो सूर्य देवता। अभी जो है इस तरफ को धूप आ गई है, लेकिन वहाँ जो सामने गांव है सुनगेड़ी गांव, वहाँ पे अभी तक धूप नहीं आई है। और काफ़ी अच्छे लोग हैं यहाँ सुनगेड़ी के, मतलब जैसे मैंने बोला ना टेंटोड़ा के जैसे लोग, मतलब एकदम कॉर्नर पे गांव और मतलब बीच में है गांव, सारे चारों तरफ जंगल ही जंगल और पाख पे मतलब पहाड़ पे है और अच्छा लगता है, बहुत स्वीट लोग हैं यहाँ के। बाकी सब देवता लोग अभी चल गए हैं आगे और सफ़र लंबा है। कुनिगार में एक्चुअली किसी की मेरे ख्याल से डेथ हो गई थी वहाँ पे, और इस चक्कर में जो है कैंसिल हो गया वहाँ का प्लान। अभी आगे रंगचुणा हम लोग जाएंगे, जो नए गांव है, मतलब एक नया गांव, नए लोग, नई पहचान वहाँ पे होगी। चलिए साथ में जो है हमारी बॉर्डर भी आ चुकी है, और ये है एलन वॉकर, हैं एलन वॉकी है। फोन मिली ना, चलो ठीक है। एक्चुअली सब कुछ जो है जल्दबाजी में था, इस चक्कर में मतलब प्लान थोड़ा फास्ट हो गया, और अभी तो बहुत लंबा सफर तय करना है। भैरवगढ़ी भी जाना है। जहाँ भैरवगढ़ी? हाँ। अरे वाह, भैरवगढ़ी भी जाएंगे, वाह। चलो ये रोड कुछ यू पन्ना खा बैन वही भाई जो आज जो है हिरनी हिरली बाजार भी देखा जाएगा, सुना बहुत है मैंने, जो कुनिगार साइड पे है और छोटा सा बाजार है लेकिन नाम बहुत स्वीट है, हिरली बाजार। कपड़े अभी थोड़ा ऑलमोस्ट एक दो गंदे भी हो गए थे, तो कुनिगार हमने कहा आज पास का इलाका है, वहाँ पे अगर कुछ व्यवस्था होती है और जल्दी पहुँचने की तो उसके पहले मतलब उससे वहाँ तक या फिर यहाँ से कपड़े हम लोग धो के अपने इसके ऊपर सुखा, आराम से सूख जाता था, लेकिन दूर है अभी तो देखना पड़ेगा, कल भय हो लब शायद धोड़ो। हाँ तो जो भी हो सफ़र में बस ऐसे ही होता है भाई साहब, मस्त एकदम नई रोड नई जगह, इसलिए कहते हैं कि क्या बोलते हैं उसको, सफ़र में मंजिल में जो मज़ा नहीं होता है वो सफ़र में होता है। क्या मंजिल क्या है? सफर में मंजिल में क्या चू बोली यार, में सफर का मजा मंजिल में नहीं सफर में होता है। बस समझ गए ना, ये लीज के लिए जो है कंटर लगे हैं यहाँ पे, और लीज के मतलब ये जो होते हैं अपने चीड़ के पेड़ सारे इन पे जो है, क्योंकि यहाँ पे कैसा है जंगल इलाका, चीड़ के पेड़ बहुत ज्यादा है यहाँ पे, पूरा आजू बाजू बांस के कम है, और इसलिए जो है कंट्रोल में जो है लीज वगैरह भर के बाहर सप्लाई होती है। हमारे गैरसैन में भी है, अगर आप दिवाली खाल से नीचे आते हो तो वहाँ पे एक जगह है लीसा केंद्र करके, जिसमें अब चालू हो गया शायद वो, बट सही है रोजगार। तो अभी जो है परसारा गांव में यहाँ पे रुके हैं सारे देवतागण, क्योंकि यहाँ पे चाय पानी की व्यवस्था भी है और मंदिर भी है यहाँ पे।
अभी सब लोग यहाँ पे देवता रुके हैं और यहाँ पे सब लोग अभी पानी वगैरह पी रहे हैं, क्योंकि मैंने बताया जैसे कि अभी काफ़ी ऊपर चढ़ना है। और कुछ ये सुनगढ़ी के लड़के लोग यहाँ पे आए हुए हैं छोड़ने के लिए देवता को, मतलब इतना मतलब एक आस्था रहती है कि वहाँ से यहाँ छोड़ने के लिए आ रखे हैं। तो आप सब लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। मेरा पता ही नहीं जो चौकुटे के बाद मतलब चौकुटे तक हम लोग गए हैं, उसके आए जो पहली बार आए ना, कैसा लग रहा आपको? हम रिव्यू लेंगे, फीडबैक लेंगे, कैसा लग रहा है? गजब 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 ना। तो अच्छा है, मतलब एक इलाके में कुनीगार से लेकर चौकुटिया तक कभी घुमा नहीं आज। चप्पल में जाओ। जय हो बाबा भैरवनाथ। अभी ये भी तो बोलो, पहले भैरवगढ़ जाएंगे। भैरवगढ़ जाएंगे तुम कल लग नहीं, तुम 65 साल बाद होनी तुम आयो आनी देवता, बहुत बड़े लगन ना, ऐसे कार्यक्रम होने चाहिए नहीं होने चाहिए बताओ। हाँ चलो चलो बढ़िया बढ़िया बढ़िया, चलो चलो तब बैठो तब। ठीक 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 ठीक, जय हो जय हो। यू अरे अमरुद हो जा रही अमरुद, यहाँ माल्टा नहीं हूँ, ये मतलब ब्रेकिंग न्यूज नहीं है, यहाँ माल्टा नहीं होते हैं। और ये भाई ने हमारे जो है माल्टा मतलब बैग में रखे थे दे दिया, तो हम क्या खाएंगे, क्योंकि हम तो वीडियो एडिट कर रहे थे अभी, अंदर बैठ के चार्ज कर रहे थे कैमरा, बाकी सब लोग अपना चाय पानी वगैरह ले रहे थे। सब लोग जो है जो कि कलश लेके आए थे, अभी सब लोग यहाँ पे छोड़ने के लिए आ रखे हैं देवता को। और घट देखिए, पुराना घट, वाह 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 वाह, इतने सालों बाद एक घट देखने को मिल रहा है। ये मणि खुल जाओ भाई, थोड़ा मणि खोला दीजिए, आपको अंदर का भी दिखाएंगे इसका कि किस तरह का है अपने पुरानों का घट चल रहा है अभी, बताओ लाइव घर चल रहा है यहाँ पे देख सकते हो आप। हमारा भी गांव में था घट, लेकिन जब हमारी दादी थी तो ये सब करती थी, लेकिन आज नहीं है। अब यहाँ से जो है पानी का स्रोत जाता है नीचे को, जो कि अंदर जिससे जो चक्की रहती है वो घूमती है, और ये पानी जो है नदी से आता है सारा। ये जो है भेजने के लिए आ रही थी, आ जा सिमी सिमी सिमी, चलो बाय बाय, जाओ घर जाओ घर जाओ, चल जाओ चल जाओ चलो घर चलो घर हो गया। अब जब तक चल रहे हैं ऊपर पहाड़ों की तरफ एक बार फिर से, जैसे तिवाखर के रास्ते हम लोग गए थे तिवाखर के लिए, और वैसे ही फिर से एक बार ऊपर की तरफ पहाड़ों में। सामने आपका हीरा बाजार, ये प्यारा सा सुंदर सा, मुझे लगा कोई बाजार टाइप का होगा, छोटा सा मतलब बाजार होगा कस्बा होगा, लेकिन ये पूरा गांव है हीरा बाजार प्रेम नगर। हमारे सामने हमारे यहाँ पे दादाजी समान है, और श्री केदार सिंह जी जो कि फरसों गांव से हैं, वो मतलब इस बचपन में यहाँ से, बचपन क्या मतलब अपने टाइम पे अपने इस रास्ते जो है मतलब बहुत आए हुए हैं, जो कि नीचे कोकबे होनी हीरा बाजार ना, हीरा बाजार से मात पांडो खा तक, तो मतलब हम थोड़ा उनसे जान रहे थे कि मतलब सर्वे किया इन्होंने यहाँ पे क्या चीज़ रोड के सर्वे। अच्छा अच्छा पीटा वाली में, अच्छा वो कौन सी रोड कहते कौन सी 6 फुटी थी। हाँ 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 भैया नहीं आप ऊपर से 6 फुटी आइए। अच्छा आप वहाँ से भी 6 फुटी है गाँव की। हाँ हाँ गाँव की 6 फुटी है। अच्छा लोगों का मेन रास्ता थे किन लोगों ऐसे बजा जी सर जो गोवासी कुके कौन सी हूँ कुके जी हूँ हीरा बाजार हो या तो हीरा बाजार ही है ना ये। हाँ हाँ ये सासकोट में आता है सासकोट में। अच्छा अच्छा उधर बुसने कुनगार है जहाँ जब तक नहीं जाने। हाँ 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 ग्राम सभा कुनगार जो है ये रास्ता था। अच्छा 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 वो गांव का पास हुए तो अलग अलग रास्ता बना रखा रोड। हाँ बापू बोर्ड की तो अभी मतलब ये देख सकते हो रोड मतलब रोड ही रास्ता है एक तरीके से रोड कट रही हो माथवे कट रही पारो। अच्छा दिखे लो पारो रोड। अच्छा याद अलग सर्वे कर दिया मैं रिटर्न में आ गए।
अच्छा अच्छा कटिंग बाद में हुई पहले जो शादियां होती थी हमारे साइड मतलब गैरसैन साइड को जो भी शादियां होती थी यहाँ से तो इसी रास्ते बारात निकलती थी पुराने टाइम पे। तो हमारे जो दादाजी बता रहे थे इस रोड से रास्ते के बारे में तो भाई साहब उनकी उम्र मतलब 70 साल है ये मान के चलो 70 साल में एक साल कम और हिम्मत देखो मतलब नंगे पाँव चल रहे हैं अपने पैंट तो नहीं पहनना माथा पैंट हाँ पानी वगैरह कुछ नहीं जहाँ पे रुकेंगे जहाँ पे व्यवस्था होगी विश्राम की वहीं पे सब पानी वगैरह पियेंगे वहाँ पे। और जो हमारे निशान होते हैं वो कहीं पे रुकते भी नहीं है मतलब वो चलते रहते हैं आपको चलना ही है उनके साथ ऐसे नहीं कि थोड़ी देर रुक जाएं कहीं पे नहीं। नागार्जुन सैंड है यहाँ पे नागार्जुन सैंड नहीं भोपुरा मंदिर जो भोपुरा मंदिर जो भैरवगढ़ी का और नागार्जुन मंदिर एक साथ के हैं सबसे पुराना मंदिर है। और यहाँ पे जो है देवता लोग आए हैं थोड़ा मतलब यहाँ पे देवताओं का नाच वगैरह हो रहा है। अच्छा ये दिल को वाको लग रही हो वाको अलग हो जाती है अच्छा। तो यहाँ से जो नीचे रंगचूड़ा गांव लगता है वहीं हमको जाना है आज। तो भंडार फरसू में अभी कोई फिक्स नहीं क्योंकि अभी आमंत्रित लोग का निर्णय है ना गोवे अब जिस हिसाब से जाने डोरी वगैरह जानी चाहिए तो वो हिसाब से कहे लोग गोवा बने की हमारे मतलब 5 से 5-7 तारीख के बीच तक तो इस वजह से मतलब काफी गांव से जो है आमंत्रित किया जा रहा है और कहीं पे विश्राम कहीं पे चाय पानी कुछ न कुछ इस वजह से कंफर्म नहीं हो रहा है भंडारा कब है कन्ना ने तुम्हें सालों बाद होनी 65 सालों बाद ख्याल नहीं कोठी नहीं ये टीवी लगी लोग बता रहे ख्याल नहीं कोठी नहीं दर्शन का भी हुआ है नहीं बोला वो टीवी प्यार होनी वो दर्शन का नहीं होनी बोला यार मंदिर हो तो कोई दर्शन नहीं होना जरा साक्षात देखे तुम लोग कैसे आए हैं हम थोड़ा रोजगार लगी हो तुम ये उम्र में कहने रोजगार की मनरेगा वॉच क्यों ना मनरेगा वॉच मन नाथने से मेरी नौ दिन में अच्छा नहीं था यो प्राण तक भूरण चलो ठीक तो के गाँव तुम सब गोगना जी अच्छा गोगना ठीक चलो देवता चले हम जाने गाँव भगवान देवता गोगना गाँव गाँव हमारा गाँव नुकसान वो हुई ना तब जगह नहीं तो बट रास्ता हुई थी जब तो अच्छा चलो चलो ठीक तब हाँ बैठा। तो ये नागार्जुन का मंदिर है जो कि बहुत पुराना है यहाँ पे ये आप देख सकते हो। हेलो प्रभु जय हो। और हमारे कुछ सब्सक्राइबर लोग यहाँ पे मिल चुके हैं हमसे मोहन गियर पहली बार हम नाम सुन रहे हैं मोहन गियर ये निखिल और निखिल नाम ये निखिल मैं प्रवीण। तो कैसा लग रहा है आपको इतने सालों बाद आप देख रहे हो कभी देखा नहीं था आपने बचपन में आप साक्षात दर्शन हो गए 60 साल बाद आ रहे ऐसी यात्रा वगैरह ना हम भी नहीं देखना कभी ना हम भी आज बोले की यार कत्यावल होने की हम साक्षात हमारा गैरसैन क्षेत्र में मतलब इतनी बड़ी आयोजन होने तो वही है फिलहाल रात को फिर जहाँ प्रोग्राम है रंगचूड़ा वहाँ भी हम जाएंगे। अरे बहुत बढ़िया आइए पूरे गांव को लेके आइए जितने आप अगर शेयर कर सकते हो सोशल मीडिया पे कीजिए और हमारे रिंकू भाई के चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लेना। नहीं यार वो एक्चुअली ऐसा एक बोला था एक बंदे ने वहाँ पे रामपुर में हमें लिखा दिया था वो ठीक है सपोर्ट कर देख लोग करेंगे तो दिल से करेंगे ठीक है जिन्हें करना है दिल से करेंगे दिल से सबका साथ होगा तो सबको ऐसे दर्शन मिलेंगे नहीं तो क्या कर सकते हैं बोलो बिल्कुल। तो अभी सारे देवतागण जा रहे हैं आगे और उजटे गाँव जा रहे हैं। अच्छा
उजिटिया गांव में जो है विश्राम कर रहे हैं कुछ देर के लिए काफी चढ़ने के बाद नागार्जुन मंदिर से आने के बाद। और यहाँ पे देखिए कितने अच्छे अच्छे संतरे लगे हुए हैं, तो सबके लिए देवताओं के लिए हम संतरे दे रहे हैं। कैच भाई माल्टाज चाय चुई। गांव से निकलने के बाद अभी जो है श्रीलंका जा रही है, और उसके बाद मेरे ख्याल से श्रीलंका के बाद जो है रंगटूना जाएगी। तो श्रीलंका में भी जो है देवताओं का वहां पे नाच होगा, उसके बाद थोड़ा देर विश्राम होगा, और जो आज का जो विश्राम रात का है वो रंगटूना गांव में होगा। श्रीलंका गांव में आपने देखा ऊपर मंदिर में देवता वगैरह नाचे वहाँ पे, इसके बाद जो है रंगटूना के लिए जा रहे हैं। इसके बीच मैंने थोड़ा सा मोबाइल अपना सॉरी कैमरा वगैरह चार्ज निकाल लिया था 5-10 मिनट, क्योंकि रंगटूना में भाई साहब मुझे पता है रात को ना भयंकर होने वाला है, सुबह भी मतलब काफ़ी सारे भीड़ होने वाली है वहाँ पे, और जो एक मतलब माहौल रहेगा वो बहुत ज़बरदस्त रहने वाला है। लोग पहले दूर दूर से देखने आने वाले हैं यहाँ पे, क्योंकि जैसे मैंने बताया कुनिगाड़ का वो हो गया था, तो उसके चक्कर में शायद काफ़ी लोग यहाँ पे आ सकते हैं, और सुबह भी काफ़ी भीड़ रहेगी, तो वो सब शो करने इसलिए चार्जिंग ज़रूरी है।
छोड़ा मैंने भाई साहब, मतलब ये मकान का मैं शूट, आपने सिनेमेटिक शॉट देख ही लिया होगा इसका, और थोड़ा देर में मतलब कुछ भोजन वगैरह भी होगा। सब लोग तैयारी पे है क्योंकि रंगछोड़ा एक सेंटर जैसा है, पांडवा खाल के बाजू में है, चौखुटिया से भी काफ़ी लोग यहाँ पे आते हैं और मैचोरी साइड से भी काफ़ी लोग यहाँ पे आएंगे देखने के लिए। और नज़ारे तो मतलब एक रंगछोड़ा मतलब पूरा रंग भरा हुआ है यहाँ पे, चाहे वो आपका ढोल दमों से स्वागत हुआ और कलश यात्रा आपकी सिनेमेटिक शॉट में देखा होगा आपने, महिलाएं जो कलश यात्रा लेके आई थी, टेंट वगैरह लगे थे यहाँ पे, कर ये देखिए। और ये मकान के बच्चे कह रहे थे कि यहाँ पे कुछ शूटिंग हुई थी ना, लुंद्रा शाली की जो है यहाँ पे शूटिंग हुई थी, जो सामने एक खूबसूरत सा मकान है यहाँ पे। तो मेरा ऑलमोस्ट ये वीडियो जो है अभी बन ही गया, आपने देखा होगा कि 80% यहाँ तक बन चुका है। तो मैंने सोचा कि मॉर्निंग से कल ब्यूटीफुल जब धूप आएगी, धूप कहाँ से आएगी कल, हाँ तो यहाँ से जब आएगी रोशनी पड़ेगी, तो कल मॉर्निंग का जो है ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो मैं रंगछोड़ा का बनाऊँ, क्योंकि अरेंजमेंट जो है बहुत ज़बरदस्त कर रखी है यहाँ पे, और अच्छी खासी मतलब टेंट वगैरह है आपका, माल्टे के पेड़ लगाए हैं यहाँ पे हम लोगों के लिए, जो कि मैं रात में भरूंगा जब सब सो जाएंगे, क्योंकि मैं रात में उठता हूँ खाली सब नहीं होंगे ना, अब देखो सब लोग सोते हैं, मैं उठता हूँ ठीक है, दो चार क्योंकि कल हमारा शायद अगर आप बोर हो रहे हो तो कोई बात नहीं, आप स्किप कर सकते हो आगे, बट मैंने कहा सारे परिवार हमारे देखने वाले यूट्यूब चैनल को, सब अपने भाई बंधु यहाँ पे आए हैं, और ये देख रही उस टाइम से, अच्छा ये हिमाचल से आई है स्पेशली भैरवनाथ की यात्रा देखने के लिए। आप कुछ कहने वाले थे, तो सुबह बोलेंगे, नहीं सुबह एक क्लिप होगा, बाकी सवार है ना फ्रेम में, तो सब एक साथ बोलेंगे जय भैरवनाथ बाबा की जय, नहीं उल्टा बोल दिया मैंने, बाबा भैरवनाथ की जय। भैरवनाथ की यात्रा में आए थे और यहाँ पे हमारी बहन है, उनका नाम लक्ष्मी है, यहाँ पे उनका जन्मदिन है आज, और यहीं पे जो है केक कट रहा है, तो खुशियों में खुशियाँ। पूजा हुई यहाँ पे और पूजा का आपने शॉट देखा है, हमेशा भोजन से पहले पूजा होती है। भक्त सारे जुट रहे हैं यहाँ पे, कोजिटिया गांव के, आपके पंडुआ खाल के, आपके श्रीलंका के सारे लोग अभी आ रहे हैं यहाँ पे, भोजन वगैरह सबका हो गया था, और यहाँ पे कुछ टाइम बाद जागर वगैरह चलेगी, उसके बाद जो है पांडव अपने जो देवता है सब बचेगा यहाँ पे, बस माहौल बनने वाला है, कुछ ही देर में सब कुछ शुरू होने वाला है।
Thank you.
मेरा आप सबसे निवेदन है कि वास्तव में आप लोग दारू पी के दोनों में आ रखे हैं और ये बड़ी शर्म की बात है, आपको शर्म आनी चाहिए। और इसके बाद अगर कोई भी बच्चा है, कोई भी आदमी दारू पी के यहाँ पर आया, हम उसको बाहर फेंक देंगे। मैंने आपको बता दिया, इतने लोग आ रहे हैं, आपको शर्म नहीं आ रही है? हम होंगे सभी आखिर में कोई तो आ रही है, आपको ध्यान देना होगा। कोई भी दारू पी के अगर इधर आया, हम उसको बाहर फेंक देंगे। सर शर्म नहीं आ रही आप लोगों को? गाय रहना भगवत ना चलेगी, तुम लोग दो रुपये का मजा कर लेंगे। मैं सारा खंसे से वहां के लिए, सारा कुमार से बुला गया, कहे बड़ा इधर बड़ा स्वागत हुआ कि कहीं हुआ भी नहीं। हमें यहाँ तुम करवाल मांगे के दारू पी के तुम यहाँ दुनिया में ना गए हो, वो शर्म आ रही है। ये हमारा घर है और हिंदू तो हम इतना से जेट कर रहे हैं। ये बाबू माधव की ध्वनि है, ये इस ध्वनि में जो कच्चा पीर नाचेगा, सच्चा पीर को छोड़ा तो हम कच्चा पीर को नहीं होता है। मत कुल में बाप कुल में अघोर कुल में रक्त कुल में जाता हूँ। सच्चा पीर हरी हरदार में उठा कगार में धर्म पुनर में कल लूंगा और मामा का दर्द तुमको रुझाना सकूंगा। दारू पी करके कोई फायदा बाबू मेरा के धुन में कोई नहीं जाएगा। ये मेरा बता दिया काम होगा, चम्मच उठेगा तो बाबू का दर्द छोड़ेगा। Thank you.
स्पेशल है जो सबसे मतलब फेमस हमारे यहाँ पे एक मंदिर है भैरवगढ़ी मंदिर, तो वहाँ पे हम लोग जाएंगे कल। कंफर्म नहीं है क्योंकि हर एक दिन वो कह रहे हैं कि आज की सोचो कल की मत सोचो, कल जहाँ पे आमंत्रित होंगे उसके हिसाब से प्लानिंग करेंगे, बट भैरवगढ़ी का हो सकता है तो भैरवगढ़ी का ब्लॉग आएगा स्पेशल। बाकी थैंक यू सो मच यहाँ तक देखने के लिए, आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर यहाँ तक देख लिया लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें, फैला दें, आशीर्वाद जो है भैरवनाथ का सब में बांटें। मिलते हैं अगले ब्लॉग में, बाय, टेक केयर। और हाँ, एक कई सवाल थे कमेंट्स में और उनके जवाब अभी मैं आपको जो है स्पेशल दूंगा, स्पेशल नहीं दूंगा, दूंगा मतलब एक्चुअली मैं सही बताऊँ, मैंने एक जो आंसर था कि जो है जो देवता लोग हैं वो नदी के रास्ते क्यों जाते हैं, पुल के रास्ते क्यों नहीं जाते हैं, तो मैंने पंडित जी से पूछा था, लेकिन वो बाय मिस्टेक क्लिप डिलीट हो गई थी मुझसे और उन्होंने बताया था, फिर मैं दोबारा पूछूंगा। थैंक यू, बाय, टेक केयर।